बिसमी स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेट कर रहा है टाइम सीरीज़ एनालिसिस से क्योंकि टाइम सीरीज़ एनालिसिस क्या होता है इसका क्या पर्पस है इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये तमाम चीज़ें जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं अब स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि नेम्स ऑफ डिफरेंट मैथड्स ऑफ मेजरमेंट ट्रेंड मेथड ट्रेंड मैथड ऑलरेडी आपने डिस्कस किया भी हुए और उसके मेरिट्स एंड डी भी आपने डिस्कस किए किएँ अब हमने फोर मेथड डिस्कस किए थे कि हमारे पास इसमें वेरियस मेथड आ जाते हैं फ्री हैंड कर्व आ जाता है सेमी एवरेज मेथड आ जाता है मूविंग एवरेज आ जाता है ली स्क्वेर मैथड अब इनसे रिलेटेड जो वीडियोस जो हैं नूमेरिकल जिनमें क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो बी एस सी लेवल पर गिवन है अब आपने फ्री हैंड कर्व पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर्स में सेमी एवरेज पढ़ लिया था अब जो हमने डिस्कस करना है हमारे पास है कि हमने डिस्कस करना है ब्रीफली द मूविंग एवरेज मैथड मूविंग एवरेज मेथड क्या होते हैं तो स्टूडेंट मूविंग एवरेज मेथड में आपके पास क्या होता है थ्री ईयर मूविंग एवरेज भी हो सकता है फाइव इयर्स मूविंग एवरेज भी हो सकता है सेवन इयर्स एंड नाइन इयर्स आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अब मूव देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि मूविंग एवरेज आपने एवरेज फाइन करनी है लेकिन अपनी वैल्यूज़ को मूव करते जाना है अब इनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स बड़ी अच्छी कराई हुई हैं वो आप देखनी है जिस तरह ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फ़ोर एक्स फ़ाइव एक्स सिक्स यहाँ तो मैं आपको सिर्फ ऑलरेडी समझा रही हूँ लेकिन आपने इसकी एग्जाम्पल देखनी है आपको ये बहुत ईजी मैथड लगेंगे इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर थ्री ईयर मूविंग एवरेज है ना तो आपने थ्री वैल्यूज़ का सम लेना है और उसको आपने टोटल यहाँ इनका सम जो है लिख देना है और इसकी एवरेज फाइंड करनी है आपने थ्री पे डिवाइड करना है अब हमने क्या करना है नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए आपने ये वैल्यू स्किप कर देनी है फर्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट थ्री वैल्यूज ले लेनी है तो इनका आपने क्या फ़ाइन करना है टोटल फाइन करना है और अगेन आपने इनकी एवरेज फाइन करनी है इट्स मीन आपने फाइन uh, करते जाना है इट्स मीन कि आपने जो प्रीवियस वैल्यूज को स्किप करते जाना है नेक्स्ट वैल्यूज़ को आपने ऐड करते जाना है तो इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज मैथड यही चीज़ वो बता रहे हैं कि मूविंग एवरेज मैथड आपके पास आपने क्या करना होता है एलिमिनेट करते जाना होता है ये स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि आपने बिगनिंग ईयर्स को एलिमिनेट करना होता है स्टेप टू में आपने ऐड करना होता है मतलब डिलीट द फर्स्ट ईयर पीरियड आपने करना होता है दैन नेक्स्ट ले लेना होता है ये जो स्टेप्स हैं ना ये इसी के बारे में भी बताए गए और ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं जो कि मूविंग एवरेज मेथड से रिलेटेड हैं कि आपने ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे फाइन करनी है और ये जिस तरह मैंने आपको समझाया आपने सेम वही प्रोसेस करना है और इस तरह आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी अब आ जाते हैं कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या आ जाते हैं मूविंग एवरेज के अगर हम एडवांटेज पढ़ें तो वेरी सिंपल मेथड है मेथड है आप पहली वैल्यू को स्किप करते जा रहे हो एंड नेक्स्ट ईयर को ऐड करते जा रहे हो तो हम कहते हैं द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट इट्स एलिमिनेट द शॉर्ट टर्म फ़्लैक्चुएशन देन इट रिड्यूज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़ के जो अफेक्ट्स हैं उनको रिड्यूज़ करते जाते हैं

एंड देन हमारे पास क्या होता है कि देर इज़ नो पॉइंट्स प्लॉटेड अ फ्यू बिगनिंग एंड एंड ईयर हमारे पास क्या होता है कि हमने जब फ़ाइन uh, करना होता है सम जैसे हम फाइव ईयर्स फाइन हैं तो फर्स्ट जो टू ईयर्स होते हैं उनके हमारे पास ना एवरेज होते है ना टोटल होते हैं क्योंकि हम फाइंड ही नहीं कर सकते तो ये हमारे पास जो स्किप हो जाती है ना वैल्यूज ये एक डिसएडवांटेज में आ जाता है देयर इज हार्डली एनी टाइम सीरीज हैव रेगुलर साइकल बट दे आर ऑलवेज टेकन टू द रेगुलर दिस इंट्रोड्यूस एन एरर ये हमारे पास एरर भी इंट्रोड्यूस कर रहा होता है उन्होंने मैथड भी बता रहे कि किस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है फोर पे हमारे पास क्या आ जाता है नॉर्मली स्मॉल नंबर ऑफ ईयर्स इन अ ग्रुप ऑफ मूविंग एवरेज इज प्रेफर बट मनी टाइम्स ग्रेटर नंबर ऑफ ईयर्स आर इंक्लूड इन ग्रुप्स विच डिफ्लेट्स मैगनीट्यूड ऑफ हमारे पास टाइम सीरीज आ जाते हैं तो ये हमारे पास एक डिसडवान्टेज है फिर ये फुली मैथमेटिकली नहीं है हमारे पास देन हमारे पास क्या है कि देर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल थ्रो विच वन डिसाइड द नंबर ऑफ़ ईयरस पीरियड्स इन द ग्रुप हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है <coughs> ये डिसाइड करने के लिए कि नंबर ऑफ ईयर जब पीरियड्स इन अ ग्रुप में हमारे पास डिसाइड करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है तो ये हमारे पास क्या है कि एक सब्जेक्टिव मेथड में आ जाता है Uh, तो सब्जेक्टिव मेथड आपको पता है कि एरर इंट्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं तो यहाँ पे आके ही हमारे पास थोड़ा uh, मसला हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आ जाता है कि हाउ डू यू फिट अ ट्रेंड लाइन बाय मेथड ऑफ़ द ली स्क्र मैथड ऑफ द ली स्क्र आपने डिस्कस किया हुआ इसका प्रूफ भी आपके पास गिवन है बी लेवल पर ये दो इक्वेशनस आपके पास आ जाती हैं और इसको हमने सॉल्व करना होता है और स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉटेंट मेथड है अगर आपको ये देखना है तो आप बीएससी के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपके पास गिवन है आप वहाँ जाके दे सकते हो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़